कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 12वें दिन राहुल गांधी केरल के अल्पुझा में स्नेक बोट रेस प्रदर्शनी में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के दूसरे नेता भी मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। 6 राज्यों की कांग्रेस कमेटियों ने राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने का प्रस्ताव पास किया है। उधर शशि थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के कई और नेता भी मौजूद रहे। हाल ही में थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। कांग्रेस में चुनाव 17 अक्टूबर को होना है। पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने बीजेपी पर हमला करने के चक्कर में विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 13 सितंबर को सचिवालय मार्च के दौरान हिंसा में शामिल रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को ठीक करने में महज 10 मिनट लगेंगे। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र कमरहाटी में एक जनसभा में कहा कि हम एक बाइक पर 2 लड़के भेज सकते हैं जो 4 देसी बम फेंकेंगे। इससे बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग भागते नजर आएंगे। मित्रा के बयान पर बीजेपी ने कहा कि टीएमसी लोगों का समर्थन खो रही है। विवाद बढ़ा तो मदन मित्रा ने सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। बाला साहब की विरासत की दावेदारी कर रहे उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली के आयोजन को लेकर बड़ा झटका लगा है। एकनाथ शिंदे के गुट को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदान में दशहरा रैली आयोजित करने की इजाजत मिल गई है। दोनों गुटों ने मैदान की परमिशन मांगी थी, लेकिन MMRDA ने उद्धव गुट के आयोजन को खारिज कर दिया। अब दोनों गुटों को शिवाजी पार्क में इजाजत मिलने का इंतजार है। दोनों गुटों की दावेदारी को लेकर BMC ने कानूनी राय मांगी है। शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पात्रा चौल स्कैम केस में अदालत ने राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। उनकी जमानत याचिका पर अब 21 सितंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले 5 सितंबर को ED की स्पेशल कोर्ट ने संजय राउत की हिरासत 19 सितंबर तक बढ़ाई थी। गौरतलब है कि राउत 1 महीने से ज्यादा वक्त से न्यायिक हिरासत में है और फिलहाल आर्थर रोड सेंट्रल जेल में बंद है। उन्हें 31 जुलाई को ED ने गिरफ्तार किया था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बेटे और बेटी समेत बीजेपी में शामिल हो गए। कैप्टन के साथ उनके आधा दर्जन से ज्यादा पुराने साथी भी बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने अपनी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का विलय भी बीजेपी में कर दिया। बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। कैप्टन अमरिंदर ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया किया और कहा कि पंजाब का हित उनके लिए सबसे पहले होगा। CBI ने IRCTC घोटाला मामले में बेल पर चल रहे तेजस्वी यादव की जमानत याचिका खारिज करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। CBI की तरफ से कोर्ट में दलील दी है कि तेजस्वी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। CBI की अर्जी के बाद तेजस्वी ने पलटवार किया और कहा कि उन्होंने हमेशा CBI का सहयोग किया और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने तो घर में दफ्तर खोलने का ऑफर दिया था। उधर BJP ने कहा कि वो बिहार के डिप्टी CM है और जब देश के गृह राज्य मंत्री को ठंडा करने की धमकी दे सकते हैं तो जांच को प्रभावित भी कर सकते हैं। आज तक के शो 10 तक की खबर का असर हुआ है। शिवराज सरकार ने कोरोना काल और रुकी हुई भर्तियों के कारण ओवर एज हुए युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी है। ये छूट 1 साल के लिए लागू रहेगी। कोरोना काल के दौरान PSC की कई परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। इसके चलते कई उम्मीदवार ओवर एज की वजह से बाहर हो गए। परीक्षार्थी लगातार आयु सीमा में रियायत बरतने की मांग कर रहे थे। छात्रों की मांग को आज तक ने 10 तक के जरिए शिवराज सरकार के सामने रखा, जिसका असर हुआ और सरकार ने राहत दे दी। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से 5 दिनों के भीतर दूसरी बार पूछताछ हुई। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने उन्हें सुकेट से मिले गिफ्ट और लेनदेन के दस्तावेजों के साथ बुलाया था, लेकिन जैकलिन EOW ऑफिस 2.5 घंटे की देरी से पहुंची। इसके बाद 6 अफसरों की टीम ने एक्ट्रेस से सवाल जवाब किए। जैकलिन के साथ उनकी ड्रेस डिजाइनर लिपाक्षी को भी तलब किया गया था। दोनों को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब होने थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक लिपाक्षी तबीयत खराब होने के कारण नहीं पहुंची। इससे पहले EOW ने 14 सितंबर को जैकलिन से 8 घंटे पूछताछ की थी। राजस्थान के नागौर में अदालत परिसर में दिनदहाड़े गैंगवार से सनसनी फैल गई। कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस के सामने ही शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। संदीप बिश्नोई जेल में ही बंद था, वहीं उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। नागौर पुलिस गैंगस्टर संदीप को लेकर दोपहर में कोर्ट में पेशी के लिए पहुंची थी। बताया जा रहा है कि शूटर हरियाणा के थे। बदमाशों ने करीब 9 राउंड फायर किए। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। लंदन में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार की रस्में जारी है। राजकीय सम्मान की रस्मों के बाद प्राइवेट फ्यूनरल की रस्में चल रही हैं। इसके लिए उनके पार्थिव शरीर को विंडसर कैसल ले जाया गया है। किंग चार्ल्स की अगुवाई में रॉयल फैमिली विंडसर कैसल में मौजूद है। क्वीन को भारतीय समय के अनुसार रात करीब 12 बजे सेंट जॉर्ज मेमोरियल चैपल में पति प्रिंस फिलिप की कब्र के पास दफनाया जाएगा।